स्वागत है। जैसे कि पहले ही कहा था मैंने कि हम इस बार समय से प्रोग्राम को चालू करने वाले हैं, तो 3:30 बजे हैं और हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेटिंग फॉर एनीबडी नाउ। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारा 8वां प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेंगे, ये मैंने कहा था। तो कुछ चेंजेस जो नए हैं उनके तो नजर में नहीं आएंगे। जो लोग पहले प्रोग्राम से हो, कुछ हर प्रोग्राम में कुछ नई चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी सुझाव आते हैं आप लोगों के तरफ से, हम उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो के सबके लिए हम उसको लागू कर सके। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसा सुझाव नहीं करेंगे, हम वही सुझाव एक्सेप्ट करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। और दूसरा यह कि मैं दो सुझाव आए थे और किन्होंने दिए थे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ईशान सर के लिए ताली बजाइए, क्यों मैं बाद में बताता हूं। तीसरे प्रोग्राम में इन्होंने बोला था कि विनय जी अगर लैपटॉप की जगह टीवी हो जाए तो बढ़िया होगा, तो ये 3-4 प्रोग्राम के बाद हमने लैपटॉप को हमने निकाल के, टीवी तो आ गया था लेकिन उसका स्टैंड नहीं आया था, वो सब था, तो अभी हम स्टैंड भी आ गया है, तो थैंक यू वेरी मच। और एक सुझाव नीना जी ने दिया था लास्ट प्रोग्राम में, सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। नीना जी थैंक यू फॉर दैट। इन्होंने सुझाव दिया था कि विनय जी आप, इन्होंने मुझे नहीं दिया था, इन्होंने भरत के पास धीरे से जाके बोला था कि ये जो विनय जी बार बार भागते दौड़ते रहते हैं, somebody should operate that computer। तो उनके सुझाव को हमने एक्सेप्ट किया है और आपको आज नया आदमी वहां पे बिठाई दिखाई देगा। सो थैंक यू नीना जी फॉर दैट। आप अच्छे सुझाव दीजिए, जरूर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसमें सबकी भलाई हो यही हम चाहेंगे। और एक चीज, आपको कुछ किसी को नोटिस किया आप लोगों ने, स्पीकर्स हैज बीन चेंज नाउ, बिग स्पीकर्स वी हैव ब्रॉट। सो हमने और साउंड के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तो उसके लिए आप लोग हमारे टीम के विजय जी और भरत और विलास, इन तीनों ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। और ये स्टैंड का श्रेय जाता है विजय जी को। तो हमारी टीम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही है जिससे कि आपको आनंद आए प्रोग्राम में। हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 8th प्रोग्राम ऑफ स्वरांगण। तो कंप्यूटर का काम मैंने अभी विजय जी को दिया है, तो विजय जी आप उसे संभालिए। और एक चीज मैंने बोली थी कि हम जो भी अपना इच्छा जाहिर करें कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था कि एंकरिंग के लिए भी अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए तो हम किसी को मौका देंगे। तो उसी घड़ी में हम इस बार मौका दे रहे हैं अनीता जी को टू को एंकर द प्रोग्राम विथ मी। अनीता जी प्लीज वेलकम। तो धीरे धीरे सबको मौका मिलेगा जो भी इच्छा जाहिर करेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है उसके पीछे, लोग करेंगे जिसकी इच्छा होती है वो करता ही है मेहनत। तो मोस्ट वेलकम अनीता जी। थैंक यू वेरी मच।